दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के विषय में। आपको पता है दोस्तों, भारत सरकार लगातार युद्ध स्तर पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत काम कर रही है। दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट तो ये है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपकी फैमिली रहती है मुंबई में, तो आप वहाँ पर भी राशन कार्ड ले सकते हैं उसी राशन कार्ड से जो आप अपने उत्तर प्रदेश में ले रहे थे। अगर आप कहीं दिल्ली में रहते हैं और आप अपने रिश्तेदारी या घर पर आए हैं, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ पर भी उसी राशन कार्ड से आप अपना राशन उठा सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का एक बहुत ही बड़ा फायदा है कि एक राशन कार्ड चलेगा पूरे ऑल इंडिया में, अलग अलग स्टेट के हिसाब से राशन कार्ड नहीं चलेंगे और आप जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर आप अपना राशन उठा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट आएगा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। अभी भी ये स्कीम चालू हो गई है, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू डिजिटल राशन कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आज हम इसके विषय में बताएंगे। तो दोस्तों डिजिटल राशन कार्ड आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दो मेथड बताने वाला हूं। पहला तो आपको डिजी लॉकर से बताऊंगा और सेकंड NFSA की ऑफिशियल वेबसाइट जो चलती है उसके थ्रू। तो दोनों मेथड से आप जान लीजिए कि अपना डिजिटल राशन कार्ड आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है राशन कार्ड से रिलेटेड, तो आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे डाउनलोड करना, पूरा अपडेट के साथ हम जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, आपको अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आकर आपको nfsa.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आते ही आपके सामने ऐसा पोर्टल खुलकर आता है। अब यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर आइए ट्रांसपेरेंसी पोर्ट्रेट्स में, यहाँ पर स्टेट फूड पोर्टल पोर्टल्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करिएगा तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। स्टेट एंड यूटी फूड पोर्टल्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सारे स्टेट्स के नाम दिए गए दोस्तों। जिस भी स्टेट आपका जो स्टेट हो, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करूँगा। आपको एक नए टैब पे ओपन करेगा जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल फूड एवं सिक्योरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको लेकर आएगा। यहाँ पर लेके आने के बाद आपको राशन पात्रता कार्ड की पात्रता सूची पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सारे ज़िलों के नाम आ जाएंगे। तो जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हो वो अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, और आप टाउनशिप से हैं अगर तो टाउनशिप, जो भी ब्लॉक है तो ब्लॉक सेलेक्ट करें, अपनी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करें। टोटल राशन कार्ड आपको यहाँ पर दिखेंगे और उस पर क्लिक करके अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल सा मेथड है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड मेथड, जो कि डिजी लॉकर से आप डिजिटल राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर दोस्तों एक भारत सरकार का ऑफिशियल लॉक है। इस पर आप डिजी लॉकर पर आइएगा, इस पर क्लिक करके आप पहले, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पहले इस पर अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आप पहली बार नहीं आए, पहले भी अकाउंट बना चुके हैं, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो लॉग इन करने के लिए आपने जो भी अपने यूजर आईडी पासवर्ड जो भी बनाया हो, अपने मोबाइल नंबर से बनाया हो या आधार कार्ड से आप लॉग इन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो डालकर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन पर क्लिक करेंगे आप पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल कर साइन इन पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिजी लॉकर का ऐसा पोर्टल ओपन होकर आएगा। मैंने अपनी यहाँ पर डिटेल बना रखी है। आपको राशन कार्ड सर्च करना है तो सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर राशन कार्ड से संबंधित अपनी वेबसाइट सर्च कर लेनी है। जैसे फूड, तो आपका जो भी स्टेट हो आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूँगा और अपना राशन कार्ड नंबर जो भी है वो डालना है और अपने ज़िले का नाम सिलेक्ट करके गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका राशन कार्ड यहाँ पर भी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड आपको मैंने बहुत ही आसानी से बता दी कि चुटकियों में अपना राशन कार्ड आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप बताऊं एक वीडियो की राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें, अगर उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं तो आपको पता होगा शायद कि राशन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड 2021। तो आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा राशन कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपडेट पाने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए, या आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर फॉलो करके कोई भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।